आपको दर्पण कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एपी से रिलेटेड आपको सवाल की ओर ले चलता हूँ। ठीक कहा गया है कि शायर ने कि अभी अभी जो आप जमीन पर टहले हो, पूरा आकाश बाकी है, अरमान बाकी है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम टॉपिक की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है, देखिए एपी बराबर दिया हुआ है, 1, 4, 7, 10 का 18वां पद क्या होगा? तो देखिए यहाँ होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 1, और डी बराबर हो जाएगा आपको 3, है ना, और एन बराबर हो जाएगा आपको 18, ठीक है, तो टी एन, है ना। तो देखिए ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी कर दिए, तो एक स्थान पर लिख देते हैं हम 1 प्लस का आपको लिख देते हैं, यानी 18 माइनस का 1, यानी कर देंगे 3 से गुना, ठीक है। तो ए प्लस का हो जाएगा 17, और गुने का 17 गुने हो जाएगा 3, 51, तो हो गया प्लस का 1 प्लस 52, यह आपका हो गया सवाल का आंसर 52, है ना, 51। फिर दूसरा सवाल पर देखिए हम नज़र कि एपी बराबर दिया हुआ 4, 9, 14 हेड, उसके बाद 254 के अंत से दसवें पद क्या होगा? तो यहाँ डी बराबर होगा, डी बराबर माइनस पाँच हो जाएगा, है ना, और ए के स्थान पर यहाँ हम लिख देंगे 252, कितना लिखेंगे 252, और आपको एन के स्थान पर लिख देंगे 10, और फिर वही हम फार्मूला पुट करते हैं, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी, तो यहाँ हो गया 254 प्लस का हो गया आपका, देखिए कैमा पद दिया हुआ है दसवां पद, तो दसवां पद यहाँ लिखेंगे माइनस 1 और गुने का 3, 5, यहाँ गुने का कैमा लिखेंगे 5, माइनस का 5 दिया हुआ है ना, तो 254 घटाओ, देखो माइनस माइनस अथी माइनस प्लस माइनस, ये कैसे हो जाएगा भाई, तो देखिए एक मिनट देखिए लीजिए, तो 9 5 45 माइनस का आ गया यहाँ, तो हो जाएगा 254 घटाओ 45 बराबर हो जाएगा 209। जय हिंद, जय भारत।